डायरेक्टेड बाय मैं हूँ। और कल जो फिल्म का प्रीमियर किया वो से नो टू ड्रग्स है, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट भी निकाला था। स्पेशली ये पेरेंट्स लोगों के लिए हमने बनाई है फिल्म कि वो देखे, वो समझे कि जो आजकल नए ड्रग्स आ रहे हैं वो कौन से तरीके के होते हैं, वो दिखते कैसे हैं, उसे किया कैसे जाता है। क्योंकि हमारे घर में, हमारे आजू बाजू में लोग कर रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा है। आज पेरेंट्स इतने बिजी लाइफ में चल रहे, इतने स्ट्रेस में, कि वो अपने बच्चों को दूर से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ अगर वो ठीक है तो वो ठीक है, वो सैड है तो शायद नॉर्मल सैड है। पर आप उनसे बात कीजिए, जाके देखिए। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे तो ऐसे ही टाइम पे कोई गंदा या ख़राब दोस्त आपसे टकराता है जो आपको सजेस्ट करता है कि यार ये कर ले, शराब पी ले या नशा कर ले, भूल जाएगा। और बच्चे ड्रग्स पकड़ रहे हैं आज के तारीख में। ड्रग्स हर साइज़, हर कलर, हर बजट में मिल रहा है बच्चों को। और अगर हमें रोकना है तो यही ऐसी कुछ करना पड़ेगा, से नो टू ड्रग्स कहना पड़ेगा। इट्स अ यूनिवर्सल टाइटल, यूनिवर्सल सेइंग। इनफैक्ट आप भी शायद इसी को सपोर्ट करेंगे, से नो टू ड्रग्स। बात करें कि स्टोरी क्या है, कैरेक्टर की कौन कौन से आर्टिस्ट। हमने ये दिखाई है कि एक पैडलर है जो कैसे अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए ड्रग्स बेच रहा है, और उसे ये भी नहीं पता कि वो क्यों बेच रहा है। उसे कुछ मुनाफे के लिए उसे ड्रग्स बेच रहा है। जैसे लोग चॉकलेट बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, वो ड्रग्स बेच रहा है। पर सच तो ये है नहीं। इसमें हमने ये दिखाया कि मुंबई पुलिस कितनी अलर्ट है, कितना वो ड्रग्स को रोकने के पीछे है। इसमें हमने ये भी दिखाया है कि यंग यूथ जनरेशन कैसे पार्टी कर रही है, लड़का लड़कियाँ सबके साथ। तो एक ओवरऑल इट्स अ मैसेजिंग फिल्म। इसमें सोसाइटी के हमने बहुत से सोशल वर्कर्स को कनेक्ट किया है, उनसे बात की है, उनसे पूछा है कि वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे, कम्युनिकेट कर रहे हैं पैडलरों को। उनको पकड़ रहे हैं, उनको पकड़वा रहे हैं, जो सुधरना चाह रहे हैं उनको सुधरवा रहे हैं। तो ये फिल्म इट्स ऑल अबाउट दिस, से नो टू ड्रग्स। इसमें बहुत से सहयोग मिला है मुझे मुझे हमारी हीरोइन से सहयोग मिला है, वीना जैन से। असद लश्करिया जो यहाँ के सोशल वर्कर है मनसा के, उन्होंने हमें स्पॉट्स, लोकेशन, पुलिस, बीएमसी, नारकोटिक सबसे मिलाया, सबसे बात कराया, चीज़ों का डिटेल्स अच्छे से समझाया। और स्टोरी को यानी मजबूत उन्होंने ही बनाया। और आज आपके सामने ये चीज़, कल ये रिलीज़ हो जाएगी आपके सामने। प्रीमियर इसका हुआ है विद गॉड्स ब्लेसिंग। मीना जैन, राजदत्ता, असद लश्करिया, आरिफ लश्करिया, योगेश चौहान और छोटे मोटे और हैं, पर ये मेन किरदार है जिन्होंने फिल्म को अपने कंधे पे उठाया, अच्छे रोल के साथ जस्टिस की। बात करें कि कितना मुश्किल होता है कि शॉर्ट फिल्म में एक स्टोरी आपको ब्रीफ करना, लोगों को बहुत मुश्किल होता है। एक छोटी सी चीज़ को, आपको मैसेज को अगर आपको बताना है और वो भी अच्छे से समझा के बताना है, तो उसकी पूरी, एक तो टॉपिक भी ड्रग्स है। आप कहीं भी जाके खरीद तो नहीं सकते कि चॉकलेट चाहिए मुझे, 10 रुपये का दे दो। तो ड्रग्स, पहले ड्रग्स की पहचान, उसका बेचना, खरीदना, हमने ये सब की रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद में हम यहाँ के सोशल वर्कर मनसा के उनके पास गए, उनको बताया कि हमने देखा कि लोग आजकल ये कर रहे हैं, बच्चे लोग, ये क्या चीज़ है। उन्होंने हमें नारकोटिक्स से मिलाया, नारकोटिक्स ने बताई ये चीज़ है। और हम सब ने उसी समय डिसाइड किया कि ऐसी ये फिल्म बनानी चाहिए। मैंने अपने डैड दिलीप दत्ता जी से जाके पूछा कि हमें स्टार्ट करना है, इसमें कुछ फंड्स भी लगेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल गो ऑन, अगर ये किसी सोसाइटी के लिए है, अच्छे काम के लिए है तो बिल्कुल। वैसे ही मनसा से वो असद लश्करिया जी रेडी हुए, सचिन धुरी रेडी हुए, मीना जैन एज एन एक्टर। इनफैक्ट जो शूटिंग के पहले दिन थी फुल बारिश थी, फिर भी हमने किया। बॉम्बे के वेरियस लोकेशन भी किया हमने। मुंबई के माहिम तुलसी पाइपलाइन रोड पे शूट किया है, हाईवे पे शूट किया है, अंधेरी वेस्ट में शूट किया, यारी रोड, BST स्टॉप, पुलिस स्टेशन। जस्ट टू नो द पेरेंट्स एंड द पीपल, से नो टू ड्रग्स। हमने वो हर एक कोशिश की है जो उन्हें ये चीज़ तक समझाए। बात करें किसका किसका सपोर्ट मिल रहा है आपको अपने फिल्म में? मनसा की तरफ से सचिन धुरी, असद लश्करिया जी का सपोर्ट था, दिलीप दत्ता जी का सपोर्ट था, एक्ट्रेस वीना जैन और इम्तियाज शेख का सपोर्ट था। पहले से नो टू ड्रग्स 1 भी बनाई थी हमने। उसमें हमने देखा कि कुछ टेक्निकल चीज़ की वजह से हम ठीक से समझा नहीं पा रहे थे, तो हमने पार्ट 2 बनाई। और हम पार्ट 3 और पार्ट 4 भी बनाएंगे, अलग अलग ड्रग्स को अलग अलग तरीके से, उसके यूज़ और मिसयूज़, इसके कितने बुरे नतीजे होते हैं, हम अगले पार्ट में ये भी दिखाने वाले हैं सभी को। और हमारी मेन मुद्दा यही है कि हम चाहते हैं कि पेरेंट्स ये देखें और समझें, क्योंकि एक यंग यूथ तो ये पिक्चर देख के बोलेगा हाँ हाँ पार्टी ऐसी होती है, ट्रिप ऐसी होती है। हमें वो नहीं चाहिए। पेरेंट्स देख के समझे, और फिर जब उनके बच्चे आजू बाजू में कोई कर रहे हैं तो फट से कनेक्ट करें और फटाक से पुलिस या नारकोटिक्स या रिहैब में फ़ोन करके अपने अपने बाजू वालों को आप सुधार सकते हो। बात करें कि आपका इसी सोशल वर्कर रिलेटेड रहे, जब तक हमारी कौम हमारी पब्लिक ये चीज़ को छोड़ेगी नहीं, हम ये समझाते रहेंगे। और खाली ड्रग्स को ही नहीं पकड़ के चल रहे हैं, आज हम बाजार में देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी अवेयरनेस चाहिए हमें। आज स्नैचिंग चल रहा है, गलत चाइल्ड लेबर चल रहा है बाजार में, बहुत सारी दूसरी चीज़ चल रही है, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हमारा चैनल यही बताने पे उत्सुक है हमारा देश को, हमारे शहर को, कि हमें इन सब चीज़ों से फ्री होना है। इट्स एन अवेयरनेस। इसके अलावा आप खुद लिखते भी हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, एडिटिंग शायद एडिटिंग भी करते हैं, क्या आपको कितना चैलेंजिंग रहता है ये? देखिए, इसमें चैलेंजिंग कुछ नहीं है, बीइंग योर प्रोजेक्ट आपको उतरना ही पड़ता है। और एक चीज़ की डेडलाइन होती है, आपको किसी चीज़ को समय पर कंप्लीट करना होता है। तो कभी कोई चीज़ नहीं आया तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि वो नहीं आया तो चीज़ कंप्लीट नहीं, चीज़ तो हमें कंप्लीट करनी है। और क्योंकि इतनी प्रोजेक्ट्स करते 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 अभी कैमरा भी कर रहे हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं, एडिटिंग भी कर रहे हैं, फ्यूचर में तो देखेंगे क्या भी हो रहा है। सब फिल्म मेकर ऐसे ही होता है, फिल्म मेकर को सब कुछ करना आना चाहिए होता है। अच्छे बड़े पॉलिटिशियंस आए थे इसमें, मनसा की तरफ से सचिन धुरी जी थे, असद लश्करिया थे, मुंबई पुलिस से मुझे इनका नाम नहीं आ रहा, अलगी विदा नेम, और नार्कोटिक्स से दो थे, आरटीआई से लोग थे, मास इंडिया एनजीओ वहाँ से पीपल्स थे, और सपोर्टिंग वैसे भी बहुत थे। प्रीमियर तो हाउसफुल था हमारा, इट वॉज लाइक ओवर प्रेस व्रेस सब, इट वॉज लाइक वेरी हार्ड हमें लोगों को समझाना। और ये टॉपिक पे सबका यही था कि आपने बनाया अच्छा किया, आपने ये बनाया अच्छा किया, हम भी बनाना चाह रहे थे, आपने बनाया वेरी गुड, इस पर और भी आगे लाते रहिए, इस पर मिसयूजेज ऑफ ड्रग्स बताते रहिए। तो पीपल से तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया हमें। कल बात करेंगे किसी से आप इंस्पायर होते हैं, बॉलीवुड या किसी राइटर से या कोई डायरेक्टर से, इस तरह कहानियाँ आपको? हर एक डायरेक्टर से और हर एक सिनेमा मेकर से इंस्पायर्ड हूँ, कि वो हर एक आदमी मुझे कुछ नया सिखा के जाता है। हर फ्राइडे आप नया फिल्म देखते हैं, उसमें नई नई चीज़ होती है, फिर उसके बाद फ्राइडे आता है, उसमें और नई चीज़ आती है, तो पुरानी तो नहीं पुरानी हो जाती है, कोई सीखते तो रहना ही है हमेशा। कोई आइडल रहा होगा, उसका नाम सजेस्ट करना चाहेंगे? राज नारंग जी है, बिग बॉस के ओनर प्रॉपराइटर, जिनसे मैं एक्चुअली मैं इंस्पायर्ड हुआ। वन ब्रेन मल्टीपल वर्क्स, इट्स गुड। बात करें एक्टिंग के, रुचि भी आपका रहा होगा? एक्टिंग में इतनी रुचि नहीं है, पर एक्टिंग कराने में मेरी ज़्यादा रुचि रही है हमेशा। क्योंकि मैं जब देखता हूँ कोई नया एक्टर ढंग से एक्टिंग नहीं करता है, तो ऑटोमेटिक अंदर से आ जाता है, यार तू इसको ऐसा कर, इसको वैसा कर। तो सिखाते सिखाते जब किसी दिन किसी ने मुझे बताया कि आप डायरेक्टर ही सही है। हाँ, से ही दिलीप दत्ता जी से ही, जब मैं छोटा था 16-17 साल का था, ऐसे से ऐसे करके आया था। इनफैक्ट हमारे घर में लाइक ऑफिस में प्रोडक्शन हाउस जो हमारा था, अंजलि फिल्म्स प्रोडक्शन, वहाँ पे एक फिल्म बन रही थी। और लाइक अदर्स मैं भी अपने डैड से पूछा था इसमें सलमान खान है, शाहरुख खान है, अजय देवगन है, कौन है? तो मेरे डैड मुस्कुराए, डैड ने मुस्कुराते हुए 3 फोटो रख दिए, ये सलमान है, ये शाहरुख है, ये अजय देवगन है। मैंने बोला ये नए लड़के, आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो ये तीनों नए लड़के आज सुपरस्टार हैं। तब के वो नए लड़के थे, आज के वो सुपरस्टार हैं। तो ये चीज़ तो मैंने उनसे अच्छे से सीखी कि जो फायर नए में होता है वो आपको सीनियर में तो होता ही है, पर क्योंकि इतने महंगे होते हैं वो कि आप उनको एफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, तो आपको आपको छोटे मार्केट के लिए और नए के लिए नया आमिर खान मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ही काम करना पसंद करूंगा और बिल्कुल करूंगा, आगे फ्यूचर में नए लोगों को ही चांस दूंगा। इनफैक्ट मेरे हर प्रोजेक्ट में 60% न्यू एक्टर्स होते हैं, न्यू टेक्नीशियंस होते हैं। बात करिए जो पिक्चर रिलीज हो रही कल, कहाँ पे जाके लोग देखें, कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे आपकी रिलीज हो रही है? यूट्यूब पे BigKick, BigKick, यहाँ पे आप जाइए, यूट्यूब पे BigKick आप ट्राई सर्च कीजिए, वैसे आपको चैनल निकले आएगा, आप उसे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बाकी वीडियोस देखिए, उसमें बहुत सी मैसेजिंग वीडियोस है, बहुत सारी एंटरटेनिंग वीडियोस है, बोरिंग वाली वीडियोस बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। तो आप उसे लाइक कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। अगर आपको मूवी बेकार लग रही है तो आप बेकार लिखिए, और अच्छी लग रही है तो प्लीज़, वी वुड लव टू हेयर इट फ्रॉम यू पीपल। इट्स ऑन BigKick।